नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, निकाय चुनाव और 2024 को लेकर हुई बीएसपी की बैठक। निकाय चुनाव को लेकर बीएसपी ने साधा सरकार पर निशाना। बीजेपी ने सोची समझी साजिश के तहत निकाय चुनाव टाले हैं। सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही आरक्षण विरोधी पार्टियां हैं, तो ये बड़ी बातें कही हैं बीएसपी प्रमुख मायावती ने। निकाय चुनाव और 2024 को लेकर बीएसपी की बैठक हुई और निकाय चुनाव को लेकर बीएसपी ने साधा है सरकार पर निशाना। शुभम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शुभम, क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई हैं, क्या कुछ कहा गया है बीएसपी की ओर से, एक बार तफसील से बताइए और समझाइए। जी बिल्कुल, देखिए कि आज नगर निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मायावती और बसपा की एक बड़ी बैठक राजधानी लखनऊ में बुलाई गई थी, जिसमें जो जिले के कोऑर्डिनेटर इसके साथ साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर्स भी इस बड़ी बैठक में बुलाए गए थे बसपा सुप्रीमो के। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं, आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अध्यक्षता में बैठक शुरू हुई। बैठक शुरू होने से पहले मायावती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मां है उनके निधन पर अपना श्रद्धांजलि दी और शोक संवेदनाएं दी। उसके बाद ये पूरी बैठक शुरू हुई। बैठक में खास तौर से 2024 और नगर निकाय चुनाव में जो मामला ओबीसी का जो आरक्षण का मामला जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने बोला कि साफ तौर पर कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है, वो अगर इन तमाम चीजों की बजाय अगर ढंग से समय रहते इन चीजों पर ध्यान दिया जाता तो नगर निकाय चुनाव समय पर होते। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में 2024 जो लोकसभा चुनाव है, अगर नगर निकाय चुनाव है, उस दौरान बसपा अपने तमाम जो कार्यकर्ता हैं उन सभी लोगों के साथ गांव-गांव में पहुंचेगी और ये बात जनसंदेश तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा कि बसपा ही उनकी हितैषी रही है। इसके साथ साथ अन्य तमाम अहम मुद्दों पर बसपा सुप्रीमो की तरफ से इन तमाम चीजों को लेकर के बसपा की तरफ से रुख साफ किया गया है। साफ तौर पर आज केंद्र सरकार को भी मायावती घेरते हुए नजर आई। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में जो सीमा विवाद चल रहा है, इस मुद्दे को लेकर के भी उन्होंने कहा कि जब अंतर्राज्यीय सीमाओं पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस विवाद नहीं सुलझा पा रही तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या स्थितियां होंगी। इसके साथ ही साथ व्यापारी वर्ग की भी उन्होंने बात की। जीएसटी के जो छापे पड़ रहे थे उसको लेकर के भी उन्होंने बताया कि व्यापारियों में काफी ज्यादा रोष है और इन तमाम मुद्दों को ध्यान में लाते हुए आज इस पड़ी बैठक में जो अपने कार्यकर्ता हैं, स्टेट कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनको ये निर्देश जारी किए हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए और इसके साथ साथ नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं, आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।